दोस्तों ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज आपका अपना रिपोर्टर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं वो ऑफिस लवर्स के लिए या फिर ट्रैवलर्स के लिए, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए एक मल्टीपर्पस बैग है। ये एक लैपटॉप बैग है, ये काफी फेमस ब्रांड का बैग है कॉल्ड इज क्लाउडफिश। इसका मटेरियल बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। ये काफी हाई प्राइस रेंज में है, मीडियम टू हाई आई विल से। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या ये वर्थ द प्राइस एंड मनी है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा क्लाउनफिश का बैग। देखिए जहां तक इसकी पैकिंग का सवाल है, बहुत ही सिंपल पैकिंग आई है। इसका जो कलर है वो ग्रे है। इसके ऊपर जो प्राइस लिखा है वो 7200 रुपीज का है, लेकिन एक्चुअली में मुझे 4999 रुपीज का पड़ा है। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और जब मैं इसे यहां से ओपन करता हूं तो ये बैग कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है इसका फर्स्ट लुक। तो जो सबसे यूनिक बात है इस बैग में वो देखिए इसका मटेरियल है। ये जो मटेरियल है ये शुरू में सबसे पहले नॉर्थ फेस और काफी कंपनीज ने यूज करना शुरू किया था, उसके बाद ये कॉमन कंपनीज लाइक क्लाउनफिश ने भी इस्तेमाल में लाया है और ये बाद में आया है। इसकी देखिए सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको दिखाऊं तो बॉटम में इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पॉकेट मिलती है। ये देखिए यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकली इस टाइप का पर्पस का सामान जो आपको इजी और जल्दी चाहिए हो। देखिए एक खास बात है इस बैग और इस मटेरियल की, ये 100% वाटरप्रूफ है और किसी भी तरह की वाटर लीकेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इसकी ये पॉकेट है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ साइड में इसके। ये देखिए इसे आप एक तरह से चिट बटन भी कह सकते हैं, जहां पे आप कोई अपने चेंज वगैरह डाल सकते हैं या कुछ इस तरह का सामान डाल सकते हैं जिसको आप इजी एक्सेस करना चाहें। एंड साथ में हमें ये एक लूप, छोटी सी लुपी भी मिलती है। फिर यदि हम बात करें तो हमें देखिए इसके अंदर एक और पॉकेट मिलती है यहाँ पे, और उसके बाद हमें इसके अंदर ये रिट्रैक्टेबल कुछ इस तरह से मैकेनिज्म के साथ हमें ये हुक मिलता है, विच इज अ क्यू हुक, जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो ये है, और इसके अंदर भी हमें एक और छोटी पॉकेट मिलती है और एक छोटी पॉकेट बाहर यहाँ पे है। फिर हम बात करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है। ये देखिए हमें लूप के साथ साथ एक बटन मिलता है और अंदर ये है, लेकिन यहाँ पे हमें यूएसबी चार्जिंग के लिए एक स्लॉट मिलता है। ये देखिए यदि मैं ओपन करता हूँ तो हमें बोथ टाइप सी एंड यूएसबी दोनों के लिए एक पोर्ट मिलता है। और यदि हम इसे ओपन करें अंदर फर्दर, यदि हम ओपन करें अंदर तो ये देखिए यहाँ पे हमें इसका एक्सटेंशन मिलता है, जहां पे आप चाहें तो टाइप सी एंड नॉर्मल यूएसबी जो अपना बैटरी केस है यहाँ पे रख सकते हैं, उसके लिए पॉकेट है। और कुछ इस तरीके से ये आपका एक एडिशनल चार्जिंग स्लॉट के लिए काम आएगा। फिर हम बात करते हैं टॉप की। यदि हम टॉप की बात करें तो ये देखिए हम यहाँ से इसे ओपन करते हैं और फिर हमें ये पॉकेट मिलती है। इसके अंदर इन्होंने ये एक बबल रैप दिया हुआ है, ये बेसिकली इसको इन्फ्लेट करके रखने के लिए है। और ये देखिए काफ़ी बड़ी हमें अंदर इसके पॉकेट मिलती है। ये काफ़ी बड़ी पॉकेट है, ये अप्रॉक्सीमेटली 21 से 27 लीटर तक इसमें सामान आ सकता है। और फिर हमें यहाँ पे इसके अंदर भी एक अलग से पॉकेट मिलती है दिखने के लिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे इसके क्लाउनफिश की ब्रांडिंग है जो आप देख रहे हैं, और अंदर पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है ये आपको अपने कपड़े रखने के लिए या आप एक दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके टॉप की। इसके टॉप के ऊपर हमें ये काफ़ी अच्छा और स्टर्डी इसका हैंडल मिलता है कुछ इस तरीके से। जब हम इसे बंद करेंगे ऊपर से तो इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। और अब हम बात करेंगे बैक साइड की। तो जब हम बैक साइड की बात करेंगे तो ये देखिए मैं इसे ओपन करता हूँ और दो चीज़ें मुझे लगता है हमें मिलनी चाहिए, एक तो लैपटॉप के लिए और टैबलेट के लिए। यस आई वाज राइट। ये देखिए सबसे पहले आपके लैपटॉप रखने के लिए एक स्लीव है और दूसरा आपके टैबलेट रखने के लिए, और नीचे फिर आपको थोड़ा एडिशनल और भी स्पेस मिलता है। और जो ये है ये पैडेड है, तो ये किसी भी तरह के ड्रॉप से या डैमेज से सेफ गार्ड करेगा आपके लैपटॉप को और टैबलेट को, और इसका जो बेस है वो भी पैडेड है। ये देखिए अब हम बात करेंगे इसके बैक की, और बैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी कोई लैपटॉप बैग परचेज करें हम यूजुअली इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है। स्पेसिफिकली देखिए जो इसकी आर्म्स, ये जो दोनों आर्म्स हैं इसकी पैडेड हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। फिर उसके बाद होते हैं इसके हुक्स, बिकॉज ये हुक्स अक्सर टूट जाते हैं विद हाई वेट, एंड बोथ हुक एंड द स्ट्रैप अ वेरी हाई क्वालिटी स्ट्रैप। और उसके साथ साथ ताकि ये हैंग ना करे अलग से, हमें एक इसके साथ इसके कंट्रोल के लिए भी मिलता है जो एक तरह से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। फिर हम बात करेंगे बैक साइड की, तो वहां पे भी हमें इजी एक्सेस के लिए एक पॉकेट मिलती है
और ये पूरा का पूरा जो है, ये आप देख सकते हैं बेस जो इसका है वो मेश का बना हुआ है और पैडेड है, तो आपकी बैक पे जब आप उठाएंगे लैपटॉप तो ज्यादा हैवी नहीं होगा और इजी ऑन योर बैक रहेगा। और फिर ये जो एक स्ट्रैप है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से आप जो अपने स्ट्रोली का हैंडल होता है वो इसके अंदर डाल के आप इसे इजीली एक ही स्ट्रॉली के ऊपर पकड़ सकते हैं, तो उसके लिए कंफर्ट के लिए, ईज टू हैंडल के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल बैग है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बैग का मेरा वर्डिक्ट क्या है। दोस्तों इसका वर्डिक्ट देने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जो इसका बैग का साइज है मेरी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह का आ रहा है। इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 47 सेंटीमीटर की है, जो इसकी चौड़ाई है वो 15 सेंटीमीटर की है, और जो इसकी ब्रेड्थ है ओवरऑल वो है अप्रोक्सीमेटली 28 टू 30 सेंटीमीटर। सो 47 इंटू 15 इंटू अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर, ये इसके डायमेंशन है। अब इस बैग की यदि हम बात करें तो मैं इस बैग को अपनी रिपोर्टिंग में खड़ा पाता हूं और मैं सर्टनली रिकमेंड करता हूं इस मल्टीपर्पज बैग को। यदि आप इसको परचेज करने का डिसीजन लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे और हमारी रिपोर्टिंग को एकदम करा पाएंगे। नॉट ओनली इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एट द सेम टाइम ड्यूरेबल और कंफर्टेबल रहेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये सच्ची रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज, आपका अपना रिपोर्टर, एक और टेक्नोलॉजी एक और प्रोडक्ट लेके जल्द ही जुड़ूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।